अनुरोध करूंगा एक पुष्पार मैं नगरपाल जी से अनुरोध करूंगा एक पुष्पार आई जी साहब को भेंट करें। अजय चंद्राणी जी से अनुरोध एक पुष्पार हमारे याद में किया जा रहा है। यहां उपस्थित कमल माखीजानी साहब, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर राज यादव साहब, डॉक्टर लाडकानी साहब, प्रेम भरोनिया जी से साथियों, मनमोहन गहल साहब जो हम सबको जोड़ के रखे हैं और लगातार हम बराबर ये कार्यक्रम साहब अब डॉक्टर साहब आप स्वागत डॉक्टर राजा साहब को एक पुष्पार पुष्पार और नरियल पुष्पार और नरियल डॉक्टर राजा साहब बैठे हैं। नारियल डॉक्टर साहब को अच्छा ठीक है बोलता और इन्हें कोरोना योद्धा के सम्मान से सम्मानित करते हुए फख्र महसूस कर रहे हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए आप सभी से अनुरोध करता हूं। मैं दैनिक पत्रिका के संबंध थे और किस तरह की यादगार मनमोहन गहल जी ऐसे व्यक्ति थे जो समाज के हर तबके में जाके काम करते थे। वे पत्रकारों के लिए काम करते थे, वे निर्धनों के लिए काम करते थे, वे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम करते थे और कार्यक्रम प्रारंभ करना एक अलग विषय होता है लेकिन उसको लगातार करते रहना ये मनमोहन गहल जी की खासियत थी कि वे कभी भी कार्यक्रम मिस नहीं करते थे। जो उनके कार्यक्रम का शेड्यूल था पूरे साल भर का वो कार्यक्रम नियत थी नियत दिनांक को होता था और समाज के प्रति बड़ी उनकी जवाबदेही थी। आज मैं उनके जो मित्रगण हैं जो उनके साथ काम करते थे मैं उनको धन्यवाद उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि वे घायल जी की स्मृति में उनकी पुण्यतिथि पर वो भी कार्यक्रम कर रहे हैं और ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं जैसा उनके मन की बात होती थी। जब पूरा समाज इस वायरस से कोरोना वायरस से पीड़ित है और व्यक्ति व्यक्ति से दूर भाग रहा है ऐसे में जो लोग जनता के बीच में जाके अपना काम कर रहे हैं जो जान हथेली पे लेकर अपना काम कर रहे हैं तो समाज का भी दायित्व है कि हम उनका प्रोत्साहन करें उनकी पीठ थपथपाएं। ये काम ग्वालियर विकास समिति कर रही है मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और जो आज के कार्यक्रम मुझे विशेषता दिखी कि वैसे तो कार्यक्रम होते हैं और जो हिदायतें हैं इस बीमारी को लेकर के उनका पालन नहीं होता है लेकिन ग्वालियर विकास समिति ने 100% सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया मैं उनका अभिनंदन करता हूँ।